हेलो फ्रेंड्स, मैं सनीपाल ढिल्लो, हेड कोच प्लस क्रिकेट एकेडमी नोएडा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन की, या फिर जिसको कहते हैं फोकस। ठीक है, तो आप एज अ बैट्समैन, आप कितने भी टैलेंटेड बैट्समैन हो सकते हो, या बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग हो सकते हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बैट्समैन हो सकते हो, बट अगर आपको लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की शिकायत है, आपको बैटिंग करते हुए आपको कॉन्सेंट्रेट ना करने की या फोकस ना करने की, हर बॉल पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए क्या है, हमको हर एक बॉल पर उसी लेवल का फोकस ये होता है बैटिंग करते हुए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके स्किल्स अलग चीज़ है, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, वो एक अलग चीज़ होती है। आपको हर एक बॉल पे उसी लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, हर एक गेंद पे, क्योंकि सिर्फ आपको एक बॉल चाहिए आउट होने के लिए। तो मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि हर एक बॉल पे किस तरीके से आपको फोकस करना है, किस लेवल का आपको फोकस रखना है, उसके लिए आपको ऑन एंड ऑफ करना, आपका माइंडसेट, आपका फोकस ऑन एंड ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। हर बॉल पे कब आपको ऑन, अपना माइंड ऑन करना है, आपका कंसंट्रेशन ऑन करना है, कब आपको रिलैक्स पोजीशन में जाना है। जैसे ही बॉलर, जब भी बॉलर कभी भी रनअप से स्टार्ट करता है, तो आपको कंसंट्रेशन ऑन करनी है अपनी, आपका फोकस ऑन करना है। पूरा फोकस आपका बॉलर के पास, बॉलर की तरफ होना चाहिए, उसके रिस्ट पे होना चाहिए, उसकी बॉल पे होना चाहिए, ताकि आपका शॉट सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो सके। जैसे ही आपने शॉट खेला, बस देन रिलैक्स्ड, फिर ऑफ। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरे बैटिंग के टाइम पे ऑन ऑफ चलता रहेगा, और इसकी वजह से आपका जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है आपको, वो है आपकी एनर्जी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन, तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ऑन ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर आप, एक मैं आपको बोलूँ कि आप पूरे टाइम फोकस करो, हर वक्त फोकस रहो, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगा। इसकी वजह से कह रहा हूँ कि वो ऑन ऑफ वाला होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे करना है, वो आपको मैंने बता दिया है। जैसे बॉलर स्टार्ट करता है अपने रनअप से, आपको फोकस करना है उसकी, उसके रिस्ट पे, उसके रनअप पे, आपका पूरा कंसंट्रेशन बॉलर की तरफ होना चाहिए। बेसिकली जब आपने बॉल खेल लिया, आपकी आपने बॉल को फेस कर लिया, अकॉर्डिंगली शॉट खेल दिया आपने बॉल के ऊपर, फिर रिलैक्स अगली बॉल के लिए, फिर दोबारा से जब बॉलर वहाँ पे पहुँचेगा, फिर दोबारा से करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फोकस करने के लिए आपकी हेल्प करेंगी बैटिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ है कि हमेशा बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट ये होता है कि जैसे आपने पहली बॉल, आपकी जो लास्ट बॉल है, उस पर आपने क्या शॉट खेला, या आप उस पर बीट हो गए हो, या वो बॉल अनइवन बाउंस हुआ है, कुछ भी हुआ है, या आपने चौका मारा है, चाहे छक्का मारा है, फॉरगेट इट, वो बॉल चली गई है, वो हमारे माइंड से भी चली जानी चाहिए, और हमें फिर दोबारा से नेक्स्ट बॉल के लिए फिर दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना है। ये पहली चीज़ है। दूसरा, जो आपके माइंड में चल रहा है वही आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइंड में सोच रहे हो, कर नहीं रहे हो। आपने देखा होगा जितने भी अच्छे अच्छे ग्रेट बैट्समैन हैं, वो अपने आप से बैटिंग करते हुए बॉल बात करते हैं हर वक्त, वो आपको अपने आप को समझाते हैं, वो आपको अपने माइंड को मैसेज देते हैं कि हमें इस बॉल पर ये चीज़ का फोकस रखना है, बी फोकस। तो वो एक चीज़ और होती है जिसमें आप, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, वो फोकस रखने के लिए हेल्प करेगी। कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ व्हाइल यू आर बैटिंग, जस्ट कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि हाँ, मुझे हर बॉल पे फोकस रखना है, मुझे हर बॉल पे फोकस रखना है। दिस इज़ द सेकंड थिंग। और थर्ड और मोस्ट क्या है, जो मैं आपको बताया था पहले, कि बी इन योर प्रेजेंट, पीछे की बॉल पे जो भी कुछ हुआ है वो आप छोड़ दो, उसको भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ, ये सोच के रखो, चाहे वो अच्छा हुआ है, चाहे वो बेकार हुआ है, आपने चाहे चौका लगाया, छक्का लगाया, चाहे आप उस बॉल पे बीट हुए, चाहे वो एज गया, आपका ड्रॉप हो गया, छोड़ दो उसको, चाहे वो बॉलर कैसी भी बॉल डाल रहा है, आपको उसको छोड़ दो। यू हैव टू बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट, और उसको अकॉर्डिंगली मेरिट, बॉल के मेरिट के हिसाब से आपको हर बॉल को जज करना है, उसके हिसाब से आपको खेलना है, दैट्स इट। ये आपका बेसिक तरीका है आपको कॉन्सेंट्रेट करने का, और ऑन ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।